हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़। गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो गाइस, जो आज का वीडियो होगा, डिस्कशन होगा, ये होगा सिलेबस ऑफ पशुधन प्रसार अधिकारी। तो जो पशुधन प्रसार अधिकारी का ऑफिशियल सिलेबस है, ये UK SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो जो सिलेबस है, LEO का सिलेबस है, ये सभी के लिए है। LEO के लिए है अधिदर्शक, प्रदर्शक, रेशम और निरीक्षक रेशम, ये सभी के लिए कॉमन सिलेबस है। तो जो ये सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू 11th और 12th जो हमारी NCERT है, तो इससे लगभग काफ़ी सारा सिलेबस मिलता जुलता है। तो अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेन किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले हमें उसके सिलेबस का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो अगर सिलेबस हमें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर है, तो हमें एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि कौन सा टॉपिक से कौन किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो हम साथ साथ में इस पूरे जो सिलेबस है, इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस यूनिट वाइज है, तो इसमें 22 या 23 यूनिट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है, जिसमें 11th और 12th दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है इसमें साइटोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनल्स, और मॉलिकुलर बायोलॉजी में DNA, RNA, रेप्लिकेशन, तो ये सभी के सभी जीन्स के बारे में, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। और माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और एनाटॉमी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी है प्लांट एंड एनिमल्स की, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन है यूनिट, प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में सारे के सारे टॉपिक हैं, जो 11th और 12th में हमने क्लियर कर ले, 11th और 12th से रिलेटेड हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बायोमोलिक्यूल्स और जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इश्यूज, एनिमल हस्बेंड्री। तो जो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है, ये हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसमें हमने अभी हम ब्रीड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल फॉडर एंड हाउसिंग है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के बारे में है, और सॉइल के बारे में, सॉइल साइंस की स्टडी है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के बारे में दिया गया है, और वीड एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ये सारा का सारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 11th और 12th। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक करके सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज को भी करते हुए जाएंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो, साथ में उसका रिवाइज हो जाए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी कर लें, ताकि एग्ज़ाम इजीली हमारा क्रैक हो जाए। तो अगर तो आप बने रहिए मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।